हरिगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी का अपराध करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अमन सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी पथरा रानी बाग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, चंदन वर्मा पुत्र गौतम वर्मा निवासी डांगी पार पकवा चौराहा थाना खोराबार, कविता पत्नी कमल सिंह निवासी रानीबाग मौर्यापुरम थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, मूल पता अनम्या सहजन थाना हथौड़ी कटरा जनपद मुजफ्फरपुर बिहार के रूप में हुई है। इनके पास से 3 सोने का हार और 1 सोने की चैन बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 11 मार्च को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 10 मार्च की रात्रि में वादी के मकान से अज्ञात चोरों द्वारा अलमारी के सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्ता कविता ने बताया कि वह वादी के घर पर लगभग 7 से 8 वर्ष से झाड़ू पोछा का काम करती थी। घर में काम करने के दौरान उसे यह जानकारी हो गई थी कि वादी की पत्नी अपने जेवरात कहाँ रखती है। तत्पश्चात अभियुक्ता द्वारा चंदन वर्मा और अमन सिंह के साथ मिलकर चोरी का अपराध कारित किया गया। इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी इत्यानंद पांडेय, आजाद नगर चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार पांडेय, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार गौड़, उमेश कुमार, महिला कांस्टेबल प्रियंका भारती नीलम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल क्षेत्र में 11 तारीख को एक घर में आभूषण व अन्य सामान के चोरी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, क्योंकि जो घर से सामान चोरी हुआ था इसकी कीमत 10 लाख से भी ज़्यादा थी। तो तत्काल इसमें सीओ कैंट के निर्देशन में एक टीम लगाई गई थी। 3 दिनों की अल्प अवधि में इस पूरी घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और साथ में जिस घर में ये घटना कारित हुई थी उसमें मेड का काम करने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इस महिला द्वारा ही इन चोरों को ये सूचना दी गई थी कि घर में क्या सामान है और कहाँ पड़ा हुआ है। उनके द्वारा इस घर की रेखी भी की गई थी और मौका पाते ही ये घटना कारित की गई थी। घटना में चोरी हुआ 100% रिकवरी इन अभियुक्तों के कब्जे से हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ इस पूरी घटना में 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं जो आपके माध्यम से मैं गोरखपुर वासियों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस घटना का अनावरण करने में सबसे मुख्य भूमिका सीसीटीवी कैमरा द्वारा निभाई गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस समय पर गोरखपुर पुलिस द्वारा बीट कांस्टेबल्स के माध्यम से सीसीटीवी कैमरास के सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी समीक्षा भी की जा रही है। जब भी बीट कांस्टेबल्स आपके घर या आपके प्रतिष्ठान पर आएँ सीसीटीवी कैमरास का वेरिफिकेशन करने के लिए, तो कृपया उनका सहयोग करें। यदि आपका सीसीटीवी कैमरा किन्हीं कारणों से ख़राब है या DVR में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो कृपया उसको ठीक करवा लें। ये आप ही की सुरक्षा के लिए है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो तत्काल अपने बीट कांस्टेबल से आप संपर्क करें। दूसरा इसमें उल्लेखनीय है कि ये जो महिला घर पे काम करती थी, ये पिछले 10 साल से ऑन एंड ऑफ इस घर पे काम कर रही थी, परंतु इसका कभी भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। तो दूसरी सीख इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रतिष्ठान पर या घर पर आपके यहाँ पर काम करता है, नौकरी करता है, मेड का या किसी और काम करता है, तो कृपया अपने संबंधित थाने से उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। ऑनलाइन माध्यम से यदि आप कराना चाहते हैं तो यूपी कॉप जो ऐप है उस पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा किया जाएगा। तो कृपया इन चीज़ों का वेरिफिकेशन ज़रूर कराएँ, ताकि आगे से इस तरह की घटना। रामलीला मैदान बड़ घाट में संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि यहाँ व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई है। यहाँ पर अभी तक 1,00,000 करोड़ तक निवेश हुआ है। गोरखपुर में एम्स फर्टिलाइजर चीनी कारखाना है, इसके अलावा एयरपोर्ट पर नौकायान है। अब लोगों ने पलायन करना बंद कर दिया है। यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय है और 5-स्टार होटल भी बन गया है। सड़कों का जाल बिछ रहा है और यहाँ पर जो एक राजधानी में सुविधा चाहिए वह गोरखपुर बन चुका है, जिसके वजह से सभी व्यापारी बहुत खुश हैं। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित व्यापारी मौजूद रहे। आप
भद्रं पश्येमाभिरजद्राहास्तरैरङ्गैरस्तुष्टवामगो सहस्रनोभिरवयरसेमहि देवहितं यदाहु कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में आप सबका सहयोग और हम सभी आज के इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में अपनी अपनी भूमिका अतिथियों के सम्मान की और यहाँ आज हम सभी के ये सम्मान की बात है। भोला भैया जल्दी सांसद जी के लिए मैं व्यापारियों की ताकत पूरे भाषण देकर के आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, एक बार आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी सांसद के रूप में गोरखपुर में बने, तब से व्यापारी समाज लगातार आदरणीय सांसद जी के साथ कदम से कदम मिला के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। निश्चित ही 2024 का चुनाव है, आदरणीय भोला जी ने और जिस प्रकार से मंच के पे उपस्थित सभी वक्ताओं ने बताया, हम सब व्यापारी समाज के लोग हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य और धर्म है कि जो आज उत्तर प्रदेश का माहौल भय मुक्त माहौल बना है, व्यापारी अपना भय मुक्त तरीके से अपने दुकान अपने व्यापार को करता है, उत्तर प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। हम सब व्यापारियों का कर्तव्य है कि इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाया जाए। रवि किशन शुक्ल जी को लगभग 5 लाख से ज्यादा मतों से जिताने का काम एक एक व्यापारी समाज व्यापारियों की जो दुकान है वो बहुत बड़ा प्रचार का माध्यम होता है। व्यापारियों की दुकान पे रोज 1000-2000 लोग आते हैं। जब एक एक व्यापारी जिस दिन तय कर लेगा रवि किशन शुक्ल जी को सांसद बनाने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो निश्चित ही दुनिया की किसी ताकत में हिम्मत नहीं है कि जो आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी को 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतने में रोक पाए। अरे जिला के हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी इतना बढ़िया बोलना, इतना बढ़िया आशीर्वाद देना, ऊर्जा बहुत कम बोलना ही अवॉइड करना, लेकिन आज सुने इनके बहुत ध्यान से पर बात के और पार्टी संगठन का है, संगठन तो बात के बहुत बढ़िया से रखना, बड़ा सुंदर और धन्यवाद उनके उनके जैसे कि महानगर अध्यक्ष जी कहना कि 12 जिला उनके हैंड कंट्रोल में बा, और जब से हर मंडले वाड़न जीत उनके कदमों को छू रही है, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सुप्लस वाले हमको मदद की और कुछ और जगह से भी मुंबई से भी मदद लाया, 3 लाख टन अनाज उस टाइम पे हमको याद है, सब पूरे 5 विधानसभा में भेजे थे। रात भर 24 घंटा फोन चालू रहता था, अस्पताल करना, ऑक्सीजन के टैंक की लड़ाई थी, उस समय बहुत भयावह समय था, रोते हुए सबके फोन आते थे, बेड चाहिए थे। तो खैर हम आपको बताए वो बात, उससे पहले नाम ले लें, भारतीय जनता पार्टी हमारे गुप्ता जी हो गए, महापौर आदरणीय दीदी हमारे बहन ने हमेशा आशीर्वाद मिला, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती सुधा जी ने बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा गाती हुई हैं, हम पिछले चुनाव में इनके घर गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा ही, इनकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लिखती, बहुत अच्छा है। जा सकता चुनाव 45 दिन रह गया, आज का दिन मिला कि मई पहले या दूसरे हफ्ते में हम लोग 7वें-6वें चरण में अभूढ़ी मांगा, भीषण गर्मी हो गई, 47 डिग्री होगा या 48 डिग्री होगा, वो सब सिचुएशन आने वाली है। विरोधी बहुत कुछ करेगा, विरोधी अपशब्द भी बोलेगा क्योंकि उसके पास अब उसके अस्तित्व को खत्म होता हुआ वो देख रहा है, विपक्ष का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, तो एकदम पागल हो जाएगा।
एक्सट्रीम कुछ भी कर सकता है। हम लोग को सचेत रहना है शांति से, एक एक वोट, जैसे महानगर अध्यक्ष जी ने कहा आप लोगों के एक एक, जैसे हमारे भोला भैया ने कहा आप लोग अपने, मैं चाहूंगा आप लोग, क्योंकि हम लोग आचार संहिता में पोस्टर नहीं लगा सकते, आप लोग अपने अपने दुकानों में पोस्टर जरूर लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, व्यापारी सम्मेलन में बहुत अच्छा पूज्य महाराज जी के सारे कार्यों के बारे में बात हुई और 1,00,000 करोड़ तक का यहाँ निवेश हुआ है। फर्टिलाइजर है, एम्स है, चीनी कारखाना है, एयरपोर्ट है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नौकायान है, क्रूज चल रहा है, लोगों ने पलायन करना बंद कर दिया, सैनिक विद्यालय है, अभी यहाँ पे वेटनरी जानवरों का भी स्कूल बन रहा है, आयुष विद्यालय है, अनगिनत महाविद्यालय की शुरुआत हो गई, 5-स्टार होटल की कतार है, सड़कों का जाल है, बिजली है, एम्स है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये गिनवा एक राजधानी बन चुका है गोरखपुर या मोदी जी और योगी जी के काल में इस रामराज्य में। और यही बात व्यापारी मंडल खुश है कि हम लोग को सुरक्षा है, व्यवस्था है, व्यापारी मंडल को लग रहा है कि महाराज जी के तरफ लग क्या रहा है, हम लोग जान रहे हैं महाराज जी के साथ हैं कि महाराज जी हमारे अभिभावक हैं, महाराज जी सब कुछ ध्यान देते हैं। और ये बहुत व्यापारी मंडल का विश्वास जो महाराज जी पर है वो अद्भुत। सांसद रवि किशन ने वन नेशन वन इलेक्शन का पत्रक गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे जाने पर कहा कि यदि एक बार में चुनाव होता है तो देश का 1,00,000 करोड़ रुपया बच जाएगा, क्योंकि 12 महीना देश चुनाव में व्यस्त रहता है, इससे समय बचेगा और सभी लोग देश के विकास के लिए कार्य करेंगे, इससे एक साथ में सभी चुनाव हो जाएंगे, यदि एक बार में चुनाव होता है तो यह एक ऐतिहासिक कार्य होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन, अभी हम दिन भर आज बूथ की बैठक में थे, हमने ये न्यूज लेकिन देखी नहीं, हम देख के जरूर, वन नेशन वन इलेक्शन क्या, वाह हर हर महादेव, लाखों लाखों अगर ऐसा हो गया 1,00,000 करोड़ बच जाएंगे देश के। सोचिए 12 महीना देश चुनाव में रहता है, देश काम में लगेगा, सारे लोग देश के विकास में जाएंगे, एक ही टाइम पे सब इलेक्शन निपट जाएगा, तो देश को विकास करने में बहुत पैसा खर्चा होता है इलेक्शन में, ये बहुत अच्छा अगर ये होता है तो ऐतिहासिक कदम। गोरखपुर में कचहरी क्लब मैदान पर डिज्नीलैंड में पहली बार रोबोटिक एनिमल पार्क मेला का शुभारंभ हुआ है, जिसके संबंध में मेले के आयोजक विकी पांडे ने बताया कि होली एवं रमजान के अवसर पर गोरखपुर में पहली बार रोबोटिक एनिमल पार्क लगाया गया है। डिज्नीलैंड मेला में विशालकाय लंदन ब्रिज गेट पर रैंप वॉक करते हुए मेले में लोग प्रवेश करेंगे, जो एक अलग ही अनुभव कराता है। इसके अलावा इस मेले में आम जनता के स्वस्थ मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं, जिनमें देशी व विदेशी यूरोपियन झूले हैं, जिसमें टेराकोटा, ब्रेक डांस, ज्वाइंट व्हील, सोलेम्बो, मेरी कोलंबस, ऑक्टोपस, ड्रैगन ट्रेन, एरोप्लेन, मिनी ट्रेन, धूम बाइक, मिकी माउस, वाल वाशी, किड्स आदि शामिल हैं। वहीं बिट्टू सिंह एवं प्रकाश पांडेय ने बताया कि गोरखपुर में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खास तौर पर वाटर वोटिंग लगाया गया है। इसके साथ साथ भारत में कोने कोने से आए हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, खिलौने, राजस्थानी के कंगन, परिधान एवं अचार, मुंबई के फैंसी चप्पल, जूते, पर्स, बैग एवं अन्य बहुत सारे घरेलू जरूरतमंदों का सामान एक ही साथ उपलब्ध होंगे। साथ ही इस मेले में मनोरंजन, खरीदारी के अलावा खान पान की विशेष व्यवस्था, भारतीय व्यंजन एवं चाइनीज फास्ट फूड के साथ भेलपूरी, पाव भाजी, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, पिज्जा आदि मौजूद है। यह मेला प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें CCTV और पार्किंग की विशेष व्यवस्था है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिज्नीलैंड मेले के आयोजक विकी पांडे ने कहा, पूर्वांचल में रोबोटिक एनिमल्स हमने यहाँ कचहरी क्लब गोरखपुर में लगाया है, उसके विषय में विशेष जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। गोरखपुर वासियों को एक तो लंदन ब्रिज हम दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक रैंप वॉक करते हुए हमारे यहाँ एंट्री करेगी इसे एग्जीबिशन इस मेले इस प्रदर्शनी में, और आकर के खरीदारी भी करेगी, शॉपिंग भी करेगी, और खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं उसका भी आनंद लेगी, और झूला तो हर एग्जीबिशन में हर मेले में लगते ही रहते हैं। तो हमने इस मेला को खास बनाया है रोबोटिक एनिमल्स को लेकर के, साउथ से हमने केरला से मंगाया है रोबोटिक एनिमल, जो मैंने समझे कि भारत में सबसे बड़ा रोबोटिक एनिमल पार्क है। 26 तरह के बड़े बड़े जानवरों का इसमें प्रदर्शनी लगा हुआ है, जो कि मूवमेंट भी करेंगे और साउंड भी करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी? शाम को 3 बजे से रात को 10 बजे तक ये चलेगा। कुछ उसका जो चार्ज है वो क्या रहेगा? रोबोटिक एनिमल का 60 रुपया हमने बहुत मिनिमम चार्जेस रखा है सर।
एक आदमी इस तरह के रोबोटिक एनिमल्स अन्य मेलों में देखे जाते हैं कि गोरखपुर चाहे आसपास के जिलों में पहली बार देखते हैं? ये उत्तर भारत में पहली बार है जी, ये साउथ में ऐसा पैटर्न है, नए नए एक एक से नए नए यूनिक यूनिक चीज़ वहाँ पर आते रहते हैं। तो वहाँ से हमने पिछले बार गांधी मैदान में हमने फिश टनल लगाया हुआ था जो दुबई के तर्ज पर था, तो यहाँ पर हम लेकर के आए कि पहले फिश टनल लाने का पहले प्लान हमारा फिश टनल ही था, लेकिन हम सोचे कि एक बार हर जगह फिश टनल वायरल हो चुका है तो क्यों ना हम रोबोटिक एनिमल लेकर के आए कि लोग हमें देख करके कॉपी करें अदर एग्जीबिशंस वाले। कब तक प्रदर्शनी लगी? ये पूरे अप्रैल तक रहेगी और पब्लिक का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मई तक भी जा सकता है। अभी तो स्टार्टिंग है, रमजान भी स्टार्ट हो चुका है और आपको बच्चों लोग का एग्जाम खत्म हुआ, तो अब ये मैंने समझिए कि सैटरडे से जो कल से सैटरडे आ रहा है उससे हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। झूला 12 तरह का झूला लगा हुआ है, बच्चा बड़ों लोगों का 6 तरह का और 6 बच्चों लोगों के लिए। ब्रेक डांस झूला है, टावर झूला है, टोरा टोरा झूला है, ड्रैगन झूला है, नाव झूला है और आपको वाटर बोटिंग है, मिक्की माउस है, बच्चों लोगों के लिए मारुति है, स्कॉर्पियो है, घोड़ा है, जंपिंग है, ये सब है सर। मिक्की पांडे, आरम बिजनेस एंड मार्केटिंग।